जय हिंद बच्चों। आप लोग को पीछे वाला जो वीडियो दिया गया था वो क्रियाशील समूह, अभिलक्षकीय समूह, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। उसमें कई एक उदाहरण दिए थे। उसमें आज हम लोग सबसे पहला अभिलक्षकीय समूह आपको बताए थे, होता हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह अणुसूत्र मॉलिक्यूल OH, मॉलिक्यूल OH ये था, जिसके नामकरण में एक साधारण नाम अल्कोहल और युग्मक नेम ऑल बताए थे। यानी जब नामकरण करेंगे तो साधारण नाम में अल्कोहल चलेगा और युग्मक नेम में ऑल चलेगा। अब देखिए, यदि वो कार्बन पर जाके जुटेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 संयोजकता, यदि इसको कहीं जोड़ देंगे OH, चाहे यहां चाहे यहां, चारों में से कहीं, तब ये बन जाएगा अल्कोहल। पहले ही है हाइड्रोक्सिल समूह। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह है। OH क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह है। लेकिन ये जुट जाएगा किसमें? कार्बन में जाके, तब है ना कार्बनिक यौगिक बनेगा। अभी इसमें कार्बन है नहीं, ओ और एच है, ओ को ऑक्सीजन, एच को हाइड्रोजन, तो कार्बनिक यौगिक है नहीं। तो कार्बनिक यौगिक के लिए पहले कार्बन होना चाहिए, और कार्बन जब अले तो कर संयोजकता 4 होना चाहिए। चारों तरफ से दिखा दिए हैं, और हाइड्रोक्सिल समूह की संयोजकता भी 1 होती है। जब ये हाइड्रोक्सिल समूह ये कार्बन के साथ जुट जाएगा तब बन जाएगा कार्बनिक यौगिक, और उसी को अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कोहल। परिभाषा में अल्कोहल कब होगा? जब वो कार्बन के साथ जाके जुटेगा तब। अब परिभाषा को कैसे बोलेंगे? अल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक है। अब ई जब इसके साथ जुट गए तो अभी टोटल बनेंगे कार्बनिक यौगिक। ई अलग है तो कार्बनिक यौगिक न है, हाइड्रोक्सिल समूह है। ई अलग है तो केवल कार्बन है, लेकिन ये जब जाके जुट गया इसके पास तो अब ये बन गया कार्बनिक यौगिक, और वही बन गया अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। तो इसके नामकरण में जैसे बोले हैं परिभाषा के रूप में जोड़ करके वैसे लिखना है। अल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक है जिसमें जिनमें कार्बन परमाणु पर, कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH, यानी OH समूह जुटा रहता है। आप इसको अपना भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह जुट जाए, जब कार्बन में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए तब वो अल्कोहल कहलाता है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोक्सिल समूह जुटेगा, कार्बन पर जुटेगा, तब उसी को अल्कोहल कहा जाता है। जिसका सामान्य सूत्र आप पहले पढ़िए,
याद कीजिए सी एन एस टू एन प्लस को क्या कहते थे, कमेंट में लिखिए तो, कौन समूह कहते थे, कौन समूह का सूत्र है, क्या इसको बोलेंगे। आपको पढ़े एल्केन समूह, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह, एल्काइल समूह, तो ये आप पढ़े होंगे अल्काइल समूह। अल्काइल समूह को आर से भी सूचित किया जाता है, याद है आर से। यदि कहीं पर संकेत में ऐसे लिख दल गए तो समझी वो कि ये भी अल्कोहल है, ये भी क्या है अल्कोहल है, क्योंकि आर अल्काइल समूह को कहते हैं। किसको कहते हैं? अल्काइल समूह को। इसी में मिला था मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल इत्यादि मिला था। तो ये आर पर यदि ओएच जुट जाए, अब इसको परिभाषा में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आर पर ओएच जुड़ा हो तो उसे अल्कोहल कहते हैं। जहां आर अल्काइल समूह, ओएच हाइड्रोक्सिल समूह, आर अल्काइल समूह, ओएच हाइड्रोक्सिल समूह दोनों होती है, तब बन गया कौन सी अल्कोहल। समान सूत्र में अब इसको उठा के एजा दे दो, एजा तो बन गया सी एन एच टू एन प्लस वन ओएच। तो इसी को ऐसे लिखा जाएगा सी एन एच टू एन प्लस वन ओएच, आईना पिछुआ में बैठवा या अगुआ में चल पीछे, समझ लो बात। तो इसको लिख दिया जाता है पीछे। ये तो पहले से ना था अल्काइल ग्रुप, और उसमें जुटा कौन हाइड्रोक्सिल समूह, तो ये वाले अगुआ में, ये वाले पिछुआ में, तो ये बन गए अल्कोहल का समान सूत्र सी एन एच टू एन प्लस वन OH, कौन सी OH। इसका समान सूत्र CN H2N प्लस वन OH, जहां N एक दो तीन बोलिए या नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन की परमाणु है, एक कार्बन C1 यानी उसकी परमाणुकता एक हो जाएगा, परमाणु की जगह पर अब यहां परमाणुकता बोलेंगे। C1 बोला तो कार्बन की एक परमाणुकता, मैंने पहले भी बताया। C2 बोला तो कार्बन की दो परमाणुकता, C3 बोला तो कार्बन की तीन परमाणुकता, इसलिए N के जगह पर एक दो तीन चार पांच डॉट डॉट कर दिए, देते चल जाएंगे, वो बन जाएगा N का मान देने से उसका सूत्र। सूत्र बनाना है तब एन के जगह पर एक दो तीन इत्यादि रखेंगे। अब देखिए अल्कोहल के दो नाम होगा, एक साधारण नाम, एक IUPAC नेम। साधारण नाम में क्या करेंगे तो अल्काइल, अल्काइल प्लस हाइड्रोक्सिल समूह का साधारण लाइए तो अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल। साधारण नाम में अल्काइल प्लस अल्कोहल, और युपक नेम में अल्केन ALKANE से ई को हटा देंगे और जोड़ देंगे ओ एल, क्या जोड़ेंगे ओएल, यानी एल्केनॉल, क्या बनेगा एल्केनॉल बनेगा। फिर से आप एक झलक देख लीजिए पूरा एल्कोहल का परिभाषा, कि एल्कोहल
वे कार्बनिक यौगिक है जिनमें कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह जुड़ा रहता है। इसका समान सूत्र CnH2n+1OH होता है, जहां N 1 2 3 4 है। एल्कोहल के साधारण नामकरण में अल्काइल प्लस एल्कोहल तथा IUPAC नाम में अल्केन से E को हटाकर OL जोड़ा जाता है। समझे बात को? यहां पर बारी बारी से CnH2n+OH अनुसूत्र बनाएंगे। N के जगह 1 2, देखो यहां C1+1OH एक लिखाता में है, C2×1 2 1OH, CH2 2 1 3, तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 OH, ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा C1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1 यानी CH4O। समझ गया? साधारण नाम CH3 को मिथाइल कहते थे। मिथाइल क्या जोड़ेंगे? अल्कोहल। क्या जोड़ेंगे? अल्कोहल। नाम क्या पड़ा? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल को हल। सुन लो, अब देखो, एक कार्बन के लिए चलता था मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं, CH4 को मीथेन। अब E को पहले हटा देंगे, E है बाहू, E को हटा देंगे, और E को हटाकर वहां क्या लगा देंगे? OL, बन गया मेथेनॉल। क्या बन गया? मेथेनॉल। तू लेंगे तो आपको याद कीजिए कि कोई समूह में हम लोग सीरीज बताए थे, कोई समूह में आगे बढ़ते जाएंगे तो एगो कार्बन बढ़ेगा और दूगो हाइड्रोजन बढ़ेगा। एगो कार्बन बढ़ाओ, दूगो हाइड्रोजन बढ़ाओ, सुननी, एगो कार्बन और दूगो हाइड्रोजन। तो ई बन गया C2 को, याद कीजिए, मिथाइल के बाद इथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, यहां पर चलेगा इथेनॉल, ये हटाएंगे, ओएल लगाएंगे, एगो कार्बन बढ़ेगा और दूगो हाइड्रोजन। तीन कार्बन के लिए प्रोप, तो PROP बाइल, प्रोपाइल अल्कोहल। सुन लो, प्रोपेनॉल, PROPANE हटाएंगे, OL लगाएंगे। अब सुन लीजिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, 4 के लिए ब्यूटाइल अल्कोहल, 5 के लिए पेंटाइल अल्कोहल, 6 के लिए हेक्साइल अल्कोहल, 7 के लिए हेप्टाइल अल्कोहल, 8 के लिए ऑक्टाइल अल्कोहल, डॉट डॉट चलते चल जाए। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, 4 के लिए ब्यूटेनॉल, 5 के लिए पेंटेनॉल, 6 के लिए हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऐसी आगे बढ़ते जाएगा। ये हुआ अल्कोहल की परिभाषा। समान सूत्र याद रखिएगा, साधारण नाम अल्काइल प्लस अल्कोहल, युग्मक नाम एल्केन से ई को हटाकर ओएल लगाना है। इस प्रकार से अल्कोहल का सूत्र बना। आप इसको डिटेल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट।
देखो विद्यार्थी, हम आपको अल्कोहल के प्रकार बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। इसको चार भागों में बांटा जाता है, हाइड्रोक्सिल समूह के उपस्थिति के आधार पर, यानी ओएच उपस्थित रहेगा उसके आधार पर चार भागों में बांटते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सुन लो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जब पूरी श्रृंखला में किसी कार्बन पर एक स्थान पर ओएच रहेगा, देखिए लंबा श्रृंखला लिए बाबू, एक दो तीन चार गो है, ये भी खाली जगह है, खाली है, खाली है, खाली है, खाली जगह। यदि ये पूरे में कहीं भी एक जगह आ गया वो एच कहीं भी, तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यदि श्रृंखला में दो जगह आ गया, दो जगह अलग अलग, तो उसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तीन जगह आ गया, कहीं भी तीन जगह, कहीं भी तीन जगह, लीजिए लीजिए लीजिए, तीन जगह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और यदि तीन से ज्यादा रह गया, कोई गिनती नहीं, तब उसी को पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। समझे बात को? जब श्रृंखला में किसी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहता है, तो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। दो जगह रहेगा तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, तीन जगह रहेगा तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, तीन से अधिक रहेगा तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसको तीन भागों में बांटा जाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को तीन भागों में बांटा जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसी का एक एक नाम और है, उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसी को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसी को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसी को टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। अब हम सबको परिभाषा और संरचना के साथ उदाहरण देते हैं, ठीक है? इसको आप लोग पहले प्रकार को स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आपको प्रत्येक का परिभाषा लिखते हैं। देखिए आगे का जो परिभाषा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को, आपको बताए कि श्रृंखला में किसी एक कार्बन पर एक ओएच उपस्थित रहेगा, किसी एक कार्बन पर एक ओएच उपस्थित रहेगा, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल
जिनके प्रत्येक अणु में सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल समूह है, सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल समूह है, उसी को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। देखिए एक दो तीन कार्बन को लिए, कहीं पर भी यहां 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 ये सब स्थान है, जहां जहां एच है उतना में से किसी एक जगह ओ एच रख देंगे तो वो बन जाएगा आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दो जगह रख देने तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अगला परिभाषा है तो मोनोहाइड्रिक एक दो तीन, तीन के लिए प्रो, एकल बंधन के लिए ए एन ई, ई हटा के ओ एल लगाना है, क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल। एक कार्बन के लिए लेते तो ये वो कनु दे दो कहीं भी और बाकी जगह ये बन गया। नाम कैसे दीजिएगा, एक कार्बन के लिए आधा है MeThAnE, ई हटाओ ओ एल लगाओ मेथेनॉल, क्या बनेगा मेथेनॉल, क्या बनेगा मेथेनॉल बनेगा, समझ रहा। इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को तीन भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। जो प्राइमरी अल्कोहल है उसी को वन डिग्री अल्कोहल कहते हैं, जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको टू डिग्री अल्कोहल कहते हैं, और जो टर्शियरी अल्कोहल है उसको थ्री डिग्री अल्कोहल कहते हैं। समझ में आ रही बातों को। आगे हम आपको डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबको आगे वाले वीडियो में वर्णन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इसका परिभाषा, उदाहरण, नाम डाई का, ट्राई का, पोली का सबको परिभाषित करते हुए, इसके बाद अल्कोहल के भौतिक गुण, अल्कोहल के रासायनिक गुण, अल्कोहल के उपयोग दैनिक जीवन में, आज अल्कोहल को कौन कौन सा उपयोग, कुछ तो शराबों में भी किया जा रहा है, उस अल्कोहल जो शराब के रूप में प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग से पूरे प्रभाव सब बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा तक देखें। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।